हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं चने दाल के पकौड़े की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आपके घर में कोई सब्जी न हो और आपको समझ में न आए कि आज कौन सी सब्जी बनाई जाए, तो ऐसे में आप चना दाल के पकौड़े की सब्जी बनाएं। दाल से बनी ये सब्जी देखने में तो स्वादिष्ट लग ही रही है। देखिए, देखने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। आपको चने दाल के पकौड़े की सब्जी खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी आपको। तो चलिए जानते हैं चने दाल के पकौड़े की सब्जी कैसे बनती है। मैंने 250 ग्राम चने की दाल लिया है। चने की दाल को धोकर 2 से 3 घंटा भिगोकर रख दीजिए। तो मैंने चने की दाल को भिगोकर रखे हुए 2 घंटे हो गई है। अब मैं चने की दाल का एक्स्ट्रा पानी निकाल दी हूँ और इसे ग्राइंडर में डालकर 1 छोटा इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्च और 4-5 लहसुन की कलियाँ डालकर पीस ली हूँ। देखिए, मैंने चने की दाल को पीस लिया है। अब मैं एक बाउल लूँगी और बाउल में चने की दाल का मिश्रण मैं निकाल दूंगी और 1 चम्मच मैं चने की दाल का मिश्रण को बचा कर रखी हूँ। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल दूंगी, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी, 1/2 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर डाल दूंगी और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल दूंगी और इसे बीटर की सहायता से या स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लें। कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए। देखिए, तेल हमारी अच्छे से गरम हो गई है। तो अब मैं इस मिश्रण के छोटे छोटे पकौड़े डालकर तेल में तल ली हूँ। एक बार में जितनी पकौड़ी कढ़ाई में आ जाए उतनी ही डाल करके पकौड़े को तल लें। थोड़ी देर बाद आराम से पलट दें। गैस की आंच को मीडियम ही रखें। पकौड़ी को अलट पलट कर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। जब ये सब तरफ से सुनहरी हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें। मैंने इस तरह से सारे पकौड़े को प्लेट में निकाल दिया है। इसी तरह से बाकी की सभी पकौड़ी बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए, हमारी सभी पकौड़े तल चुके हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल दी हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं सब्जी की ग्रेवी बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसमें से एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया था और अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दूँगी, सॉरी जीरा, साबुत जीरा मैं डाल दी हूँ और 1 लाल मिर्च डाली हूँ, 2 तेज पत्ता डाली हूँ और 1 पिंच मैं इसमें हींग भी डाल दी हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़ा साइज के प्याज को बारीक काट कर मिला दिया है तेल में। ये जो हमारी कद्दूकस की हुई प्याज थी, इसे सुनहरा होने तक भून लेना है। तो मैं इसे ढक दी हूँ। अब मैं कढ़ाई का कवर हटा दी थी। हटाने के बाद मैं प्याज को अच्छे से भून ली। देखिए, प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच नमक को मिला दिया है प्याज में। सभी मसाले को 1 से 2 सेकंड के लिए भून लें। तो मैंने मसाले को भून लिया है। अब मैं इसमें 2 बड़े टमाटर की प्यूरी मिलाने वाली हूँ। तो मैंने 2 बड़े टमाटर को ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था।
टमाटर का पेस्ट डालकर चलाते हुए तेज आंच पर तेल ऊपर आने तक भून लें। तो मैंने कढ़ाई के ऊपर कवर लगा करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए टमाटर अच्छे से भून गई है और तेल ऊपर आ गई है। और मैंने जो ग्राइंडर में चना दाल का पेस्ट बचा कर रखा था उसमें मैंने पानी डाल करके मसाले के ऊपर डालकर ग्रेवी बना लिया है। तो देखिए हमारे सब्जी की ग्रेवी बन गई है। मैंने इसमें 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी डाला है। डाल करके कढ़ाई का कवर लगा करके उबलने दें। तो हमारी सब्जी की ग्रेवी उबल चुकी है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच फ्रेश घर का क्रीम मिला दी हूँ। क्रीम मिलाने के बाद हमारी सब्जी की टेस्ट बढ़ जाएगी। ग्रेवी में उबाल आने दीजिए। तो हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुकी है। 1 से 2 मिनट लगी थी मुझे ग्रेवी को उबालने में। अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी 1 छोटा चम्मच क्रश करके इस तरह से हाथों से क्रश करके मिला दी हूँ। और 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर को भी मिला दिया है। ग्रेवी में उबाल आने दीजिए। 1 से 2 सेकेंड उबाल आने के बाद अब मैं इसमें जो चने दाल की पकौड़ी को फ्राई करके रखी थी उसे मैं ग्रेवी में मिक्स कर ली हूँ पकौड़े डालकर। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना हमारी सब्जी। खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगी थी। अब कढ़ाई के ऊपर कवर लगा करके 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद गैस को बंद कर दीजिए। मैंने सब्जी बनने के बाद ऊपर से भी राई और लाल मिर्च साबुत लाल मिर्च का तड़का लगा दी हूँ। तो देखिए हमारी स्वादिष्ट व टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। ये देखने में जितनी अच्छी लगती है खाने में उतनी ही मज़ेदार लगी थी। ऊपर से आप इसे धनिया डाल करके हरी धनिया डालकर सर्व कर सकते हैं। तो मेरे पास हरी धनिया अवेलेबल नहीं थी तो मैं नहीं डाली थी। देखिए हमारे चने दाल की टेस्टी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ चपाती के साथ राइस के साथ सर्व करिए और खाइए अपने फैमिली के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। और कोई सवाल हो तो पूछिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही अन्य रेसिपीज के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिसे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।